नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे जन संसद न्यूज। मैं आज आपको लेके आया हूं गोल मार्केट की उस एरिया में जहां एक भाजपाई नेता सन्नी चंदेलिया का निवास स्थान है। जी हां, आज सन्नी चंदेलिया के मिसेज का जन्मदिन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, किस सादगी के साथ, जहां इनके जन्मदिन पर आए वर्ष हमेशा हजारों लोग पहुँचते थे, लेकिन आज कोरोना की इस महामारी को देखते हुए सन्नी चंदेलिया ने कितने सादगी के साथ करीब हजारों लोगों में ही बांटी आइसक्रीम। आइसक्रीम केवल इसलिए बांटी जा रही है कि आवश्यकता जिन चीज़ों की है वही जनता में पहुंचाई जाए। तो देखिए किस प्रकार से गरीब लोगों के बीच में बांटा जा रहा है आइसक्रीम, जिसमें सन्नी चंदेलिया के अपने समर्थक उनके साथ मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा, और वहीं इन्होंने एक अनोखी पहल भी की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सादगी का सबूत दिया, वहीं कहीं ना कहीं उनके नेता सन्नी चंदेलिया जैसे भी लोग कहीं ना कहीं सादगी का परिचय देते रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शांतिपूर्वक, किस प्रकार से लाइन लगा करके सन्नी चंदेलिया अपनी मिसेज का जन्मदिन मनाते हुए और लोगों में आइसक्रीम का वितरण कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग हैं और लाइन लगाए हुए हैं। तो ये हैं सन्नी चंदेलिया, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं इस गोल मार्केट एरिया के। और आप देख सकते हैं इनकी सादगी का जो आज चलन है, एक अनोखी पहल कही जा सकती है, और किस प्रकार से ये लोग एक विचारधारा के आदमी हैं कि जन्मदिन भी मन जाता है लेकिन वह गरीबों के बीच में कुछ फ़ायदा भी हो जाए, यानी गरीब लोगों को भी कुछ मदद पहुंचा दें अपने जन्मदिन के मौके पर। ये है भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सन्नी चंदेलिया अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ, जिस प्रकार से बड़े मुस्तैदी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इन्होंने आइसक्रीम वितरण कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पे सुबह से उनके घर पे हजारों लोगों ने मुबारकबाद के लिए पहुँचा, और वहीं उन लोगों ने काफ़ी भीड़ देखी, लेकिन उन्होंने यह भीड़ कन्वर्ट कर दिया आइसक्रीम वितरण में, और वहीं कहीं ना कहीं अपने समर्थकों से और अपने शुभचिंतकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि आज जन्मदिन पर जो हम पसंद करते हैं वही अपने गरीब भाइयों को खिलाएंगे, ताकि यह बेनिफिट उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में आकर के परेशान दिखते हैं, उन्हें भी आवश्यकता होती है कुछ ऐसी चीज़ों की। तो यह सारी चीज़ें उन लोगों तक वितरण हो, और तभी हमारा जन्मदिन या जन्म लेने का अर्थ हो सकता है कि हम समाज के लिए जीते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाज के साथ अपनी सादगी का परिचय देते हुए सन्नी चंदेलिया। जी हाँ, यही थे सन्नी चंदेलिया, भारतीय